Sports. पांच राज्यों में चुनावी बिगुल के बाद गतिविधियां हुई तेज। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सभी दल प्रचार में जुटे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दौरे पर आए तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 को करेंगे संबोधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1,500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। खेल की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से आज करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और आईसीसी विश्व कप में आज दो मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने।